हेलो दोस्तों, वेलकम यू ऑल ऑन द बिगनर फ्रेंडली यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि हम किस तरह से कैनवा में फेसबुक के लिए ऐड क्रिएट कर सकते हैं। यदि आप भी कैनवा का यूज करते हैं और फेसबुक के लिए ऐड क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, आप यहाँ पर जिस तरह का भी ऐड क्रिएट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कैनवा के अंदर ईजी वे में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आप किसी प्रोडक्ट के लिए ऐड बनाना चाहते हैं या फिर आप कुछ सेल करना चाहते हैं उसके लिए ऐड क्रिएट करना चाहते हैं, तो वो सभी चीज़ें आप यहाँ पे कैनवा के अंदर बिल्कुल ईजी वे में कर सकते हैं और आप उसका ऐड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। सो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अब आपने सबसे पहले कैनवा वेबसाइट को ओपन कर लेना है। कैनवा वेबसाइट को ओपन करने के बाद दोस्तों, आप यहां पे क्रिएट अ डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और आप यहां पे सर्च कर लेंगे फेसबुक ऐड। फेसबुक ऐड सर्च करने के बाद दोस्तों, आपके पास यहां पे बहुत सारा ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका हर एक रेशियो का होगा। तो हम लोग यहाँ पे 1080x1080 पिक्सल का जो है रेशियो, वो वाला फेसबुक ऐड को यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और उसके ऊपर क्लिक करते हैं। उसके ऊपर क्लिक करने के बाद दोस्तों, आपके पास यहाँ पे सिंपल सा एक पेज ओपन होगा और आपके पास यहाँ पे लेफ्ट साइड में कुछ टेम्पलेट आ जाएगा जिसकी हेल्प से आप अपने ऐड को और क्रिएटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर अपने ऐड को शुरू से क्रिएट करने के लिए सीखते हैं। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले हम इसके बैकग्राउंड कलर को चूज करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एलिमेंट में आएंगे और सर्च करेंगे यहाँ पे नेवी ब्लू। नेवी ब्लू सर्च करने के बाद दोस्तों, आपके पास कुछ इस तरह का ग्राफिक्स आ जाएगा। हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स के अंदर जाते हैं और हम लोग इस बैकग्राउंड को अपने पेज के ऊपर ऐड करते हैं और फिर हम लोग यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और हम लोग यहाँ पे सेट इमेज एज बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये जो हमारा इमेज है वो हमारे बैकग्राउंड में सेट हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा ये इमेज हमारे बैकग्राउंड में सेट हो गया है। अब दोस्तों, आपने यहाँ पे सबसे पहले अपने टॉपिक को चूज कर लेना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर यहाँ पे ऐड को क्रिएट करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए यहाँ पर ऐड क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उसी के ऊपर आपको यहाँ पर ऐड को क्रिएट करने के लिए बताऊँगा। तो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और हम लोग यहां से टेक्स्ट बॉक्स को अपने पेज में ऐड करेंगे और हम लोग यहां पर लिख लेंगे सुपर सेल। और हम लोग इसके पोजीशन को सेट कर लेते हैं और यदि आप चाहें तो इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हैं, इसके कलर को चेंज कर सकते हैं, इसे बोल्ड कर सकते हैं, इसे इटैलिक कर सकते हैं, इसमें कुछ इफेक्ट्स डाल सकते हैं, इसमें एनिमेशन डाल सकते हैं, वो आप अपने अनुसार कर लीजिएगा। मैं बस आपको यहाँ पे उसे क्रिएट करने का तरीका बता रहा हूँ। तो हम लोग यहाँ पे फॉन्ट को चेंज करते हैं। इसके फॉन्ट को दोस्तों हम लोग थोड़ा सा कर्सिव में रखेंगे ताकि ये जो हमारा टेक्स्ट है वो थोड़ा सा क्रिएटिव लगे देखने में। दोस्तों, हम लोग यहाँ पर अपने फॉन्ट को सर्च कर लेते हैं एप्रिकॉट्स। तो मैंने यहाँ पे अपने टेक्स्ट के फॉन्ट को चेंज कर दिया है। अब हम लोग फिर से यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन में आएंगे और फिर से यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को ऐड करेंगे और हम लोग इसमें लिखेंगे स्नीकर्स। और हम लोग इसके पोजीशन को सेट कर लेते हैं और यदि आप फॉन्ट वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग इसके फॉन्ट को इस तरीके से रख लेते हैं, ये हमारा थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। उसके बाद दोस्तों, हम लोग यहाँ पे एलिमेंट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे हम लोग इस शेप को ऐड करते हैं अपने पेज के ऊपर और हम लोग यहाँ पे इसे इस तरीके से थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे कुछ राइट करेंगे जिससे कि हमारा जो ऐड है वो थोड़ा और क्रिएटिव लगे देखने में, लोगों को ज़्यादा उससे अट्रैक्ट हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर राइट किया है स्टेप अप योर स्टाइल विद आवर न्यू फ्रेश किक्स, यानी कि अब आप इसे समझ गए होंगे कि हम किस प्रोडक्ट के ऊपर अपना जो है ऐड क्रिएट कर रहे हैं, वो हमारा शू प्रोडक्ट होने वाला है। अब हम लोग यहाँ पे एक सर्कल को ऐड करेंगे और हम लोग यहाँ पे इस तरीके से इसके साइज़ को इंक्रीज कर लेंगे सबसे पहले
और हम लोग यहाँ पे इसे इस तरीके से सेट कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं शूज। शूज सर्च करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारा शूज का ऑप्शन आ गया है। हम लोग यहाँ पे ग्राफिक्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से आप जिस भी शूज का यूज करना चाहते हैं कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास फ़ोटो का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से इस फ़ोटो को अपने पेज के ऊपर ऐड कर लेते हैं और फिर हम लोग इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद दोस्तों हम लोग अब यहाँ पे जो भी ऑफ देना चाहते हैं अपने शूज के ऊपर उसे हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और फिर हम लोग ऑर्डर नाउ का बटन जो है यहाँ पे बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले सर्च करते हैं 50% ऑफ, तो यहाँ पे हमारे पास ऑफ से रिलेटेड बहुत सारे ग्राफिक्स आ गए हैं। हम लोग यहाँ पे फोटो वाले ऑप्शन में जाते हैं यानी ग्राफिक्स में और हम लोग यहाँ से इस आइकन को अपने पेज के ऊपर ऐड कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों हम लोग इसे और क्रिएटिव वे में दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ और भी अप्लाई करेंगे। हम लोग यहाँ से इस सर्कल को ऐड करते हैं और हम लोग इस सर्कल को इसके नीचे अप्लाई कर देंगे। इसके पोजीशन को हम लोग फॉरवर्ड कर देते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ये आइकन है 50% ऑफ वाला वो थोड़ा क्रिएटिव लगने लगा है पहले से। इसी तरह हम यहाँ पे ऑर्डर नाउ को भी प्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे टेक्स्ट वाले सेक्शन में आएंगे और यहाँ पे ऐड अ हेडिंग के ऊपर क्लिक करेंगे और हमारे पास हेडिंग का ऑप्शन ऐड हो जाएगा। हम लोग इसमें लिख देंगे ऑर्डर नाउ। हम लोग इसके साइज को छोटा कर लेंगे और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक सर्कल को ऐड करते हैं और इसके कलर को हम लोग यहाँ पे येलो रखते हैं और फिर इस ऑर्डर नाउ को हम लोग इसके अंदर प्रेजेंट कर देंगे और इसके कलर को हम लोग यहाँ पे ब्लैक रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा जो ऑर्डर नाउ वाला ये बटन बना है वो थोड़ा और क्रिएटिव लग रहा है देखने में। अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आप यहाँ पे सबसे पहले अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग को डाल देंगे। तो हम लोग यहाँ से एक सब हेडिंग को ऐड करते हैं और हम लोग इसमें अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग को डाल देंगे। इस तरीके से आप भी अपने सोशल मीडिया हैंडलिंग को यहाँ पे डाल देंगे। अब दोस्तों बेसिक सा हमारा ये पेज क्रिएट हो गया है ऐड के लिए, लेकिन हम लोग इसे और क्रिएटिव दिखाने के लिए हम लोग कुछ डिज़ाइन इसमें ऐड करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं स्टार, और हम लोग यहाँ से इस ग्राफिक्स को इसमें ऐड कर देते हैं और हम लोग इसके कलर को वाइट रख लेंगे और फिर इस स्टार को यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं और इसके भी कलर को यहाँ पे हम लोग वाइट रख लेंगे। उसके बाद दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ सर्कल शेप को ऐड करेंगे और इस तरीके से हम लोग यहाँ पे इसे इंक्रीज कर लेंगे और हम लोग इसके पोजीशन को बैकवर्ड में डाल देते हैं और हम लोग यहाँ से इसके ट्रांसपेरेंसी को कम कर देंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इसके कलर को चेंज करके वाइट कर देते हैं। फिर दोस्तों इसी को कॉपी करेंगे और हम लोग यहाँ पे इसे पेस्ट कर देंगे। अब हम यहाँ पे फिर से सर्च करते हैं डॉट। अब हम लोग यहाँ से इस डॉट को अपने पेज के ऊपर ऐड करते हैं और इसे इस तरीके से छोटा कर लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे सेट कर देंगे और इसके कलर को चेंज कर लेते हैं और फिर हम लोग इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम लोग इसे इस तरीके से थोड़ा सा रोटेट करके डाल देते हैं। अब दोस्तों फाइनली ये टेम्पलेट हमारा ऐड के लिए रेडी हो गया है। अब हम लोग इसे डाउनलोड करेंगे और फेसबुक ऐड के लिए इसे लगा सकते हैं। सो थैंक्स दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।
तो आप कैनवा का फुल कोर्स सीखने के लिए या फिर कोई और अदर स्किल सीखने के लिए आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस कोर्स का बेनिफिट ले सकें। सो थैंक्स दोस्तों फॉर वॉचिंग द बिगिनर फ्रेंडली यूट्यूब चैनल।